तो भाई लोग अभी पहुंच गए साउथ कैंपस, आज चल रहे अपने कॉलेज। अभी आ रहे थे कहीं से घूम के, तो बीच में हमारा कॉलेज पड़ता है तो सोचा डिग्री भी ले ले, जब साथ के साथ आ ही गए फिर डिग्री के लिए दोबारा दोबारा कहाँ आना पड़ेगा। इसी बहाने आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ आज, आप चलो मेरा कॉलेज देखने के लिए। लेट्स गो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेट्स गो। Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. So basically, this is Durgabai Deshmukh साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन। अगर किसी को आना तो यहाँ से आओ, सबसे पास पड़ता है। और यहाँ से थोड़ा सा उतर के 50-100 मीटर आगे से राइट में पूरा साउथ कैंपस है, जो साउथ कैंपस के सारे कॉलेजेस आपको वहीं मिलेंगे। तो लेट्स गो। ये वेंकटेश्वर कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज है सामने, बिल्कुल बगल बगल में है दोनों कॉलेज। और ये इसी के बगल से साउथ कैंपस चले जाए, इस गेट से जाओगे तो साउथ कैंपस पहुंच जाओगे। ये पहले नहीं था, ये सारा ऊपर ये बना दिया, ये पैदल यात्रा के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में धौला कुआं तक के लिए। अब ऊपर ऊपर आप उस स्टेशन पर पहुंच सकते हो दुर्गाबाई देशमुख से। और बहुत से लोगों को ये लगता होगा साउथ कैंपस मतलब लगता क्या होगा, ये है ही मैंटेलिटी, नॉर्थ ही नॉर्थ अच्छा है। हाँ नॉर्थ अच्छा है, बेटर है, मानता हूँ उस बात को, पर साउथ भी इतना बेकार नहीं है। आज आपको मैं अपने कॉलेज के माध्यम से दिखाता हूँ, कॉलेज के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। मैंने कह रहा कभी बड़ा नहीं ना दे रहे। सामने दिख रहा ऊपर ऊपर पार, वो करीबन 1-1.5 किलोमीटर बाद धोला कुआं है यहाँ, ठीक है। देश आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, पहले ये सब नहीं था, ऊपर ये बन गया ताकि जा सके। ये था डायरेक्ट सामने गेट दिख रहा है। सो ये कॉलेज की एंट्री भाई, हमारे भाई एंट्रेंस है सामने से। यो लेफ्ट साइड में पूरी की पूरी सामने तक साइंस की बिल्डिंग, ये ऑफिस है हमारे सामने, ये सारे ऑफिस। अब ऑफिस में चल के डिग्री लेनी। और इधर राइट में जाके बहुत दूर सामने कॉमर्स डिपार्टमेंट। सो अभी हम कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए, और इधर अभी दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। तो ये अपने यहाँ से लाइब्रेरी का रास्ता है, थोड़ा सा अंदर चलते लाइब्रेरी आ जाती है। और इसके आगे एक सेकंड रुको, पहले तो ये देखो जो हमारे राइट में ये पार्क है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा पार्क बना रखा, इसमें जाना किसी को अलाउ नहीं है। ये सामने यूनियन रूम है, जो भी इलेक्शन जीतता है उस पार्टी के बच्चों का कब्जा हो इस पर। ये प्रिंट आउट और फोटो स्टेट की दुकान। अब लेफ्ट में मुड़ के सामने लाइब्रेरी आ गई, इसमें से अभी मुझे क्लियरेंस लेना अपना। अब बिल्कुल अंदर चलते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर। अभी तक मतलब मुझे बीच में रुकना पड़ गया था, इधर दुकान से प्रिंट आउट लेना था। अब बिल्कुल सामने जाते हैं और दिखाता हूँ आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट। और आप दूसरे कॉलेजेस में देखोगे ना तो इस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग कम ही मिलते हैं, कि एक पूरी अलग ही जगह पर जाके एक डिपार्टमेंट है। बाकी सब कॉलेज में एक ही बिल्डिंग में हाफ इधर हो गया हाफ इधर हो गया। पहुँच गए अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर, और ये यहाँ साइड में चलते हुई एनसीसी कैडेट्स की प्रैक्टिस, हमारे टाइम पे भी इस एरिया में चलती थी, आज भी यही चलती है। अब अंदर आपको दिखाता हूँ चल के, बड़ा ही सुंदर सा बना रखा है यहाँ पे, मतलब ARSD का सारे लोगों का फ़ोटो शूट ही यहीं होता है इस दीवार पे। इस दीवार के बाहर आपको हर एक स्टूडेंट का फ़ोटो मिल जाएगा एक्सेप्ट मी, बिकॉज आई एम नॉट अ फोटोलिक पर्सन। यहाँ पे गार्डन बना रखा सामने ब्यूटीफुल सा, और ये चारों तरफ इसकी बिल्डिंग है। यहीं पे इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सिटी के भी और हमारे कॉलेजेस के भी। अब इस लाइब्रेरी के बाहर से अगर मैं लेफ्ट टर्न लूँ तो लेफ्ट टर्न से आप देखना यहाँ पे इधर निकल जाए, बेसिकली ये रास्ता था लाइब्रेरी के सामने से। ये इधर क्लासेस स्कूल बनाने के लिए झोपड़े की क्लासेस बना रखी, ये सब अपने क्लासरूम। ये सामने स्टाफ रूम, उसके लेफ्ट से अगर मैं दिखाऊँ आपको इधर ऑफिस था। यहाँ आएंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट है अपने केमिस्ट्री वगैरह के, यहाँ से बाहर निकल जा, ये क्लासरूम है, क्लास चल रही है बच्चों की। इसके अंदर अंदर से भी बाहर निकल जा, वैसे ये साइड में एक छोटी सी गैली बना रखी इन्होंने, और ये सामने प्लेग्राउंड बना दिया। ये छोटी छोटी लैब है जिसमें कम बच्चे होते हैं,
कूल बनाने के लिए। ये इधर कैंटी कितना खूबसूरत अपना कोर्ट है बास्केटबॉल का। ये राइट में अपनी केमिस्ट्री लैब्स हैं, सारी की सारी चलेंगे यहाँ भी। पहले ग्राउंड दिखा दूँ, यहाँ पे सारे कपल्स हाथ पास से के हैं, धूप से के हैं, हाथ से के उतर रहे। हम दोनों ही बैठेंगे और तुम्हारे नसीब में कोई है नहीं। यहाँ बहुत खेला भाई, यहाँ बहुत थूथ थुड़ भाई। देखे कहाँ जा तू, आ जा आ जा लौट आ जा। रेस्ट नहीं है क्या, छोड़ी देवे दिन तो जा चुके हैं। ये बेसिकली अपनी केमिस्ट्री लैब है, ऊपर जाए खोखे से दिख रहे, एक दो तीन चार तीन लैब्स हैं यहाँ सामने, इसके पीछे से वापस फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ चले जा, और ये राइट में फिर से उसी गैलरी में जहाँ पे ऑफिस वगैरह है। ये सब लैब्स चल रही है, फिजिक्स लैब और गैस अपना डिपार्टमेंट। अब तो मैं लेके चलता हूँ जहाँ मैं बैडमिंटन खेलता था। सो राइट गेट से इससे बाहर गए थे, अब सामने लेके चलता हूँ आपको बैडमिंटन कोर्ट पे। जब चलेंगे तो सामने से जाके, ये सामने ऑफिस है, इसके राइट में मुड़ेंगे। राइट में मुड़ने के बाद सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा वाटर कूलर, जहाँ से अपन पानी पीने थे। यहाँ से तो हटा दिया यार सारा, यहाँ बीच में नेट था। ये देखो अंडर कवर कोर्ट किसी किसी कॉलेज में मिले हैं। इसके पीछे वहाँ सामने वो टेबल रखी टूटी हुई टीटी की, अब जा पता नहीं यार। उस टाइम तो सही थी, बहुत खेल लग रहे थे यहाँ बहुत ज़्यादा। अब यहाँ बालक खेल ले मास्टर रुके, चला जा नीचे। दो साइड से एंट्रेंस है, बैंक भी अपने कॉलेज में बैंक भी था। ये सामने गर्ल्स कॉमन रूम जहाँ सिर्फ गर्ल्स बैठ सकती हैं। रुक जाओ हट गए फिल्टर, कोई बात नहीं, दिखा जाओ कैंटीन में जलपान ग्रह। यहाँ बैठे यहाँ बैठी जनता को खड़ा। ये फिर से ग्राउंड में आ गए, बारह आने की चार पाँच रास्ते। चलो अब इधर से निकल जाओ बाहर बिना कुछ कहे। ये पार्किंग है टीचर्स की, और अब यहाँ से लेफ्ट में हम यहाँ सामने जाके चलते हैं बाहर। सो बाय ARST। तो भाई लोग ये था अपना कॉलेज, अपने कॉलेज में घूम के बड़े दिनों के बाद बड़ा मजा आया, अच्छा सा लगा, यादें ताजा सी हुई। 3 साल यहीं धक्के खाए, यहीं की धूल चाटी, तो अच्छा लगता है फिर से देख के। जहाँ की मिट्टी का नमक खाओ वहाँ को देख के। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा कॉलेज, और जो ARST वाले हैं, जो देखने वाले हैं, तो ले लो फिर। मिलते हैं तो फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।